अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सैयदा सदफ अली, मैं कब से बोल रही हूँ भाई, पूरे मीडिया वालों को बोली चिल्ला चिल्ला के पुलिस स्टेशन के पास, अभी मैं बुला के प्रेस वालों को बाइट दी भाई। यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक हो गया है, यहाँ पे उस्मान और यासर अरफात एडवोकेट के लोग आके यहाँ पे मीडिया वाले भी देखे, उन्होंने हटे की नहीं किया था हम लोग के ऊपर अटैक करे, पीएस के सामने अटैक करे भाई, वेपन्स लेके आ रहे, इतना कैसा पड़ गया उस्मान, क्या अंडरवर्ल्ड का डॉन है इन्हें या फिर क्या है पड़े भाई, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। मैं बोल रही हूँ हम लोग की जान कभी भी जा सकती है उसके जिम्मेदार, अभी नगर पुलिस स्टेशन पूरे लोग आए, कमिश्नर साहब भी है, मैं बोल रही हूँ चीख चीख के मीडिया में आके बार बार अटैक करा रहे बोल के, मीडिया पर्सन भी देखे आप लोग को मैं बोल रही हूँ भाई बार बार, अगर फिर भी मैं बोल रही हूँ कोई पुलिस वाले एक्शन नहीं लिए, हम लोग खुद सुसाइड कर रहे, मैं मेरे वालदा मेरा भाई मेरा बच्चा हम लोग सुसाइड करके मर जा रहे, को बोले तो लोगों के हाथ मरने से अच्छा खुद की नाजायज खुद के खुद मर जाना अच्छा है, कमीनों के हाथ से मरने से अच्छा, मैं चीख चीख के बोल रही हूँ कोई हमारा साथ नहीं दे रहे, पुलिस वालों में चार चार कंप्लेंट आदि कुछ भी रहे हो कर ले रहे हो उसका, एक चोर को पकड़ के नला सक रहे पुलिस वालों को, क्या हो गया बड़े भाई मेरी मदद करो, मैं 10 बार बोल रही हूँ अगर अब एक्शन नहीं हुएगा कसम से हम लोग मरने वाले हैं, उसके जिम्मेदार हबीब नगर पुलिस कमिश्नर सर सब DCP सर सब जन है, मैं बार बार पीएस के सामने ठहर के बोल रही हूँ मेरे पर हटा को हमला हो रहा, मार देता 2 दिन में मार देता बोल रहा बोल रही हूँ, कोई भी नहीं सुन रहे बड़े भाई, अगर हम लोग मरे उसके जिम्मेदार हबीब नगर पुलिस स्टेशन और हमारे कमिश्नर साहब है, मैं बार बार बोली कोई भी नहीं, मैं बोल रही हूँ कई को बोले तो एक्शन नहीं ले रहे, वो उस्मान चोर सैयद उस्मान अली वर्ल्ड प्रोडक्ट चेयरमैन को नहीं पकड़ के ला रहे, एडवोकेट यासर अरफात को नहीं पकड़ के ला रहे, बार बार गैंगस्टरों को भेज रहे इन लोगों खुद बाहर, इन लोगों के खुद गैंगस्टर टीमें ला इलीगल धंधे करते, ला औरतों को धंधा कराते, ला प्रोस्टिट्यूशन के दलाला है इन लोग, मेरे साथ वॉइस करना चाह रहे थे मैं नहीं करती, बोले तो मेरे ऊपर अटैक करा रहे मेरी वालदा को, मेरे को मार देते, मेरी नस्ल मिटाए तो 2 दिन में बोला उन्हें कई को नहीं पकड़ के ला रहे उसको, यासर अरफात अगर मैं मरी मेरी फैमिली को धक्का लगा, मैं अभी भी बोल रही हूँ आखिरी बार एडवोकेट यासर अरफात सैयद उस्मान अली इला गैंगस्टर है इला पकड़ के मेरे को जबरदस्ती मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पर हमले करा रहे, कल रात में हमला हुआ अब हमला हुआ, अभी प्रेस मीट करके हटी बोला प्रेस वाले भी देख लेते गए, 2 जने 3 जने आके अटैक कर लेते गए हमारे ऊपर, पीएस के सामने अटैक हो रहा कोई भी एक्शन नहीं ले रहे भाई, अगर हम लोगों को कुछ भी हुआ तो ये एडवोकेट यासर अरफात और सैयद उस्मान अली और अफजल रिपोर्टर वॉइस टुडे न्यूज़ का इला तीनों चारों है इलाज गैंगस्टरों को भेज के हमारे पे हमला करा रहे, अभी नगर पीएस के सामने आप लोग देख सकते हैं अभी हमला हुआ, यहाँ पे कैमरों में भी आया आप लोग आके चेक कर सकते हैं, पुलिस एक्शन नहीं ले रही भाई, ठीक है हमला शाम में मर जाते हैं बेमत मरने से अच्छा हाथ हमारे हाथों मर के मर जाते हैं हमला, देख लो आप पुलिस स्टेशन देख लो, मैं अभी भी बोली उन्हें मेरे को कल रात से आज रात तक का टाइम दिया 2 दिन में खत्म कर दे, तुम बोल के बोला मेरे को मेरी फैमिली मेरी नस्ल को मिटा दे तुम बोल रहा, मैं एक बार CM साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के इसको कमिश्नर साहब को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे के सैयद उस्मान अली और यासर अरफात एडवोकेट और रिपोर्टर अफजल को प्लीज आप जल्दी अरेस्ट कराइए नहीं तो हम लोगों की जान जा सकती है, मैं डिप्टी CM साहब को बोल रही हूँ बट्टी विक्रमा साहब न्यू कालिक दंडम पेट्टा सर ना हेल्प चेयंडी सर नैन चुना सर विनि सर एदोकट हेल्प चेयंडी सर ना एवर हेल्प चेयलेदु सर नैन चुना सर ना हेल्प चेयंडी सर नैन एम चेयाली सर ना दग्गर एवर लेवु मा तम्मुडु लेदु मा पेद्द तम्मुडु लेदु चिन्न तम्मुडु चोट चिन्न बाबू उंदि मा अन्नय्य लेदु एवर लेदु नेनु ओक्कदानि मा मम्मी उंदि मा डाडी कूडा नातो लेदु मीरु हेल्प चेयंडी सर नैन చాలా గన్నం పెట్టా CM సార్కి చెప్తున్నా డిప్యూటీ CM సార్కి చెప్తున్నా బట్టి విక్రమ సార్ రేవంత్ రెడ్డి సార్ నా హెల్ప్ చేయండి సార్ ప్లీజ్ నేను రిక్వెస్ట్గా చేస్తున్నా నాకు సత్యం చంపేస్తాడు ఉస్మాన్ అలీ అది యాసర్ అరఫాత్ అడుగే బోలే అస్సలాము అలైకుమ్ రహ్మతుల్లాహి బరకాతుహు మై సైరా సదఫ్ అలీ जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं फिर से दोबारा मैं यहाँ पर आके फिर से इंटरव्यू देने का मतलब ये है कि अभी कल के दिन हमारे पे हमला हुआ है सैयद उस्मान अली यासर अरफात की गैंग और जो है अफजल रिपोर्टर मिलके हमला कर दिए हमारे पे रात में 1 बजे रात को फ़ोन करके वार्न करें हम आपको 1 बजे रात को फ़ोन करके बोले आओ रे आओ पूरों को कटा देता हूँ तेरे को तेरी अम्मा को तेरे बच्चे को तेरे भाई को मेरे खलेरे भाई उनको भी पूरी नस्ल मिटा दे तू बोल के बोल रहे काट देते कहते मार देते कहते उन्हों कैसा रहती तू 2 दिन के अंदर तेरे को ख़त्म कर दे तू बोल के बोल रहे हैं मैं इतने दिन से बोल रही हूँ हमारे कोई भी लोग आने सुन रहे हैं मैं CM साहब को रिक्वेस्ट करी फिर मैं हमारे कमिश्नर साहब को बोली जो हमारे सर्कल साहब है सबको बोल रही हूँ मैं हाथ जोड़ लेते फिर भी मेरा साथ कोई भी नहीं दे रहे भाई ऐसा कहीं कुछ बैठे भाई जब यासर अरफात एडवोकेट साहब बोल रहे चूड़िया पहन लिए क्या पुलिस वाले बोल रहे भाई क्या हो गया हमारे अकबर भाई असद भाई का नाम ले ले राज जिसका बोले उसका भाई ने क्या इतना बड़ा धारू है क्या कोई भी कुछ भी नहीं बोल सक रहे उठा के इनके बारे में उन लोगों का नाम ले रहा इन लोगों का नाम ले रहा जिसको बोले मुँह उठा के बोल दे रहे भाई तुम
क्या है क्या नहीं, हमको कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारे से, कौन है तुम मैं नहीं जानती। यासर अरफात तुम्हारे से मेरी लड़ाई नहीं है भैया, कहीं को आ रहे तुम बीच में जबरदस्ती का, मेरे समझ में नहीं आ रहा। यासर अरफात जो है जबरदस्ती का मेरे को बोले ओ यो बुक कर रहा हूँ तुम आओ, बोले मैं नहीं आती, बोले तो उन्होंने और उस्मान मिलके मेरे पीछे पड़ गए। और ये दोनों उस्मान और यासर अरफात लड़कियों के स्मगलर है ना, स्मगलिंग करते लड़कियों की। नहीं अभी आपके ऊपर जो बताए थे कि यासर अरफात ये बुरे थे कि आप और आपके साथ में कोई लेडीज का नाम लेते हुए, ये बात सही पूछे सर आप। देखिए मेरे साथ में वो शादा निजामी कोने में को नहीं मालूम, खाली पीली उनकी गैंग से मेरा नाम जोड़े, मैं कहते चिकड़पली पे अटैक कराई, कहते मैं यहाँ अटैक कराई, वो सब कुछ भी नहीं करी, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, कोई टीम से नहीं हूँ। अरे भाई तुम ना इंक्वायरी बिठाओ ना भाई, तुम जब इतने बड़े बड़े बात बोल रहे मैं ऐसा करी मैं वैसा करी, तो तुम एक बार इंक्वायरी बिठाओ। और आप आ रहे हैं यासर अरफात बीच में, आप बोल रहे मेरा क्लाइंट है क्लाइंट है क्लाइंट है ना, तो सामने आओ ना भाई क्लाइंट को लेके एक बार, तुम ही चाह रहे हैं बीच में। जैसा मैं आके सामने फेस टू फेस बोल रहे मीडिया के, उस्मान को सामने लेके आओ फेस टू फेस, उस्मान आके बोलना मीडिया में। मैं बता रहे हैं कि कल वो न्यूज के बाद में आपके पास में हमला हुआ बोल के बोल रहे हैं आपको, कहाँ पर वो हमला? देखो यासर अरफात झूठ बोले, मैं कहते कोर्ट में जाके अटैक करी, कहते कौन की शादा निजामी के साथ में, मैं किसी के साथ नहीं गया, आप लोग जाके कोर्ट में सीसी फुटेज चेक करो, मैं कहाँ थी मेरे लोकेशन ट्रैक करो। और मैं ना हबीब नगर पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी मैं कंप्लेंट दे रही यासर अरफात एडवोकेट और सैयद उस्मान अली और अफजल रिपोर्टर पे दी, कल रात में ना अटैक करें इनकी गैंग के साथ हमारे को मल्लापल्ली में फतरे फतरे फेंक के मारे हैं। कितने बजे? देखिए भाई ये तकरीबन 2:30-2 बजे के टाइम का है जी। वीडियो कॉल करके पहले बोले पूरी नस्ल खत्म कर दे, तुम 2 दिन का टाइम दे, तेरे को नहीं मार दिया तो देख बोल के बोले उन्होंने, और उठा के अब मेरे को गंदे गंदे गालियां दे रहे, कोई भी नहीं बोल रहे सर, कोई भी हेल्प नहीं कर रहे मेरी। मैं मीडिया को इसलिए बुला के बार बार बोल रही हूँ, मेरे को अगर मैं मर गई या मेरे घर की कोई फैमिली मर गई तो उसके जिम्मेदार ये यासर अरफात एडवोकेट और ये उस्मान अली और जो है ये नो अफजल रिपोर्टर, ये तीनों मिलके हमारे पे गैंग अटैक कराए सोए। तो अभी आपके अभी आप पीएस को आए थे हबीब नगर में, क्या आपको रिस्पांस मिला? हाँ ऑलरेडी कंप्लेंट बुक हो गई है, देखो ऑलरेडी मैं कंप्लेंट दे दी, अभी मैं इन लोगों को अभी यहाँ तीनों के नाम पे कंप्लेंट दी, जानलेवा हमला करे हमारे पे बोल के। और ये जो यासर अरफात खाली पीली लोगों का नाम जोड़ रहे मेरे साथ में, ये गैंग की हूँ वो गैंग की हूँ, अगर तुम आ रहे हैं तुम्हारा क्लाइंट तुमको हायर करा तो लीगल आओ, मेरे को पहले नोटिस भेजो, तुम मेरे को नोटिस भेज के बात करो, ये फोनों पे दलाली मत करो, तुम है दलाल, तुम और तुम्हारा उस्मान दलाल है, तुम्हारा स्मगलर है लड़कियों के, तो तुमको अगर आना है तो डायरेक्ट इनटू आके मेरे को लीगल नोटिस भेज के बात करो। मैं FIR बुक कर दिया, मैं भेज दिया तुम्हारे ऊपर, बोल तो किस हिसाब से भेजते, क्या करी हुई हूँ मैं? तुम तो भी औरतों की स्मगलिंग करते, पकड़ा हूँ रंगे हाथ, मेरे कहने हर चीज का एविडेंस है, अब मैं निकाल के बताई तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। जो अभी आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए हुए हैं तो आप उन पे हमला कराए बोल के या हमला करे बोल के, वो सही है? भाई मैं कोई हमला नहीं कराई, आप मेरे पे इंक्वायरी बिठाइए, आप लोग जो कंप्लेंट देते दो मेरी इंक्वायरी चलने दो, वो मेरा फोन ट्रैप कराओ, मेरा लोकेशन मालूम कर लो मैं कहाँ थी क्या नहीं, मेरे फोन की पूरी कॉल डिटेल निकालो, अगर मैं गैंग अटैक कराई पड़े मेरी कोई गैंग से पहचान नहीं, अगर कोई गैंग मेरी होती तो मेरे साथ इतने दिन से जुलूम हो रहा, 3 साल से कोई भी छुपटते थे क्या गैंग वाले मेरे, मेरे तो कोई रिश्तेदार भी इतने वो नहीं है कि किसी को आके चलो भाई कहीं को बच्ची के साथ हमारी कर रहे बोल के बोलने, इसलिए ये उस्मान इतना बढ़ गया सो है मेरे साथ में। इस ये उस्मान और ये जो यासर अरफात है मेरे और मेरे वालदा के बारे में गैर जरूरी बात करें, मैं देती हूँ आपको रिकॉर्डिंग, आप ना डालना भाई तेरा रेट लगा है आज की तारीख में, वो रूम बुक करें नामपल्ली पे, तू आ बोल के बोल रहा है नामपल्ली में जाके, कहते कहाँ की वो कसी की होटल में वो बुक करा, कहते 4 आदमियों को डील करा, मैं तेरी अम्मा को रख लेता हूँ तो उस्मान तेरे को रख लेता, बोल के यासर अरफात और उस्मान मिलके बोले मेरी वालदा के बारे में गैर गलत बातें कर रहा है यासर अरफात। ठीक है अभी आपको जो लोग जो बुला रहे हैं यहाँ पर कहीं के लिए बुला रहे हैं? एक बार बोलना कौन बुला रहे हैं, गलत चीज के लिए बुला रहे हैं, मेरे को बोल रहे प्रोसिक्यूशन करो, मैं नहीं करती बोलता, बड़े बड़े लोगों के साथ नामा जोड़ के बदनाम करते उसके बाद में तू काम मुंह दिखाने के काबिल रहती देखते बोलते। और उस्मान मेरे को बोल रहा फेसबुक पे फेक आईडी बना के, मैं कहते मुत्ता मैरेजर्स माफिया हूँ, कहते फेसबुक पे फिर से फेक आईडी बना के मेरे को बोल रहा मैं मुत्ता करती हूँ निकाह माफिया हूँ, और शिया सुन्नी का बार बार मसला उठा रहा, भाई हमारे लोग भाया कहाँ है फिर मेरे वाकई में, ये शिया सुन्नी सब एक ही थे बड़े भाई, ऐसा नको सोचो कोई भी, मैं भी मुसलमान बहन हूँ आप लोगों की मोमिन बहन हूँ, आप लोगों का कहीं को ऐसा वाकई खामोश बैठे, इन्हें बोला सब बात अलग ही छो जा रही, फिर चुड़िया बेल लिए सब जने बोल के इन्हें बोल रहा, भाई मैं नहीं बोल रही उसको पकड़ो ना, फिर हमारे जब कमिश्नर सर को बोल रहा CM साहब को बोल रहा है इन्हें इतना बड़ा अधिकारी है क्या किसी को भी गिन दे रहा, हमारे अकबर साहब असद साहब आप लोग देख रहे तो वीडियो मेरी हेल्प करो, आप लोगों के बारे में गैर जरूरी अल्फाज बोला, आप जाके वॉइस टुडे न्यूज़ पे देख सकते हैं आप लोग सैयद उस्मान अली के चैनल पे, ये दोनों मिलके MIM की दुश्मनी कर रहे हैं, MIM की पार्टी के साथ मिटा देता कहते जड़ से नाम उस्मान और ये यासर अरफात बोल रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम भाई, हम सबकी इज्जत करते सब हमारे लिए एक ही थे, मैं बोल रही हूँ देखो भाई अगर मेरी
अगर एक भी ये ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो बोल रहा है एक भी बता दो मेरी कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और उस्मान से भी अगर मैं कही बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो जैसा निकानामा बताया उन्हें ग्रीन बुक वैसे मेरे एग्रीमेंट उसके भी होंगे ना, उसके पास कितने दिन का एग्रीमेंट था वो बताओ, बोलो लो बताना है तो पूरा एक्सपोज करो, नहीं है कुछ वो तो क्या बताते आके ठहर के नल लोगे जैसा दिन का मुर्दे चले जाओ मर जाओ जो मुँह पाया बोल दिए तो हो जाता। मेरे को बदनाम करने की साजिश है भाई, मेरी मदद कर रहे हैं तो करो, हमारे मोमिन भाई ने तो ना। और मैं शिया भाई से भी बोल रही हूँ, मैं सुन्नी भाई से भी बोल रही हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ भाई, खाली पीली या फसाद करना चाह रहे ना शिया सुन्नी का मुद्दा है कहते शिया लोगों के पास हराम है काली जमात जो मुँह आया बोल रहा भाई उस्मान और ये यासर अरफात भाई उठा के लोगों को क्या करते हैं अपना, आप लोगों की मर्जी, मेरे साथ तो कुछ भी हुआ मेरी फैमिली को अब इतना भी धक्का लगा, पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे कोई भी नहीं ले रहे नक्को लेन दो भाई तो कंप्लेंट दी, अगर मेरे को या मेरी फैमिली को धक्का लगा या हम लोगों में से किसी को कुछ हुआ सीधा अरेस्ट होना, ये यासर अरफात और उस्मान अली और ये जो है एडवोकेट अफजल ने रिपोर्टर अफजल बोल के है उन्होंने अरेस्ट होना, मेरे को तंग करके रख दिया मेरे को टॉर्चर।